हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। यह साइंस से रिलेटेड है। प्रश्न पहला है कि जल में स्थित पिंडों की दिशा और दूरी का वेग मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सोनार का उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि सोनार का बहुत ही यूज़ है नाभिक के रूप में, और जल की स्थिति, दिशा, डायरेक्शन, दूरी मापने का उपकरण है और इसे यूज़ किया जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के डंक जो होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बार बार, और पूछा जा रहा है कि चींटी के डंक में के प्रभाव से बेसर है ना, बेसर करने पे, बेअसर करने पे के लिए क्या लगाया जाता है। तो वह बेकिंग सोडा लगाया जाता है, NaHCO3। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट यूनिट में, ये 2021 का है, कि प्रथम मानव निर्मित फाइबर कौन सा था। तो वह रेयोन था, याद रखिएगा, 1892। नेक्स्ट है, अग्निशासक के लिए आग प्रतिरोधक कपड़े बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो वह मेलाइन का। इसके बाद है, नेक्स्ट है, न्यूटन की गति किसके कितने नियम दिए हैं। तो आप सभी जानते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या चाहिए था, एक्शन बराबर रिएक्शन। तो तीन नियम है, तो याद रखिएगा तीन। आप सभी जानते हैं, नॉर्मल प्रश्न है। मैग्मा पृथ्वी के किस परत में पाया जाता है। ये मेंटल में पाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि रेम हो गया, USB हो गया, CD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, यह सब कंप्यूटर का ही पार्टिकल भाग है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का प्राथमिक सेल क्या था, मेमोरी क्या था। तो रेम था, यानी RAM। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर होते हैं। तो यह फाइलम, किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर होते हैं। तो इसमें होता है फाइलम इचिनोडर्मेटा में। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में कुल 28 हड्डियाँ होती है। ठीक है, और इसमें कान की हड्डियाँ की संख्या कितनी होती है। तो 6 होती है कान की हड्डियाँ, है ना। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होती है, जो कि जान में होती है, और कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। चीन के कृत्रिम सूर्य, जो कि SL2M किस विधि द्वारा विकसित किया गया। तो यह किया गया था आपका नेविगेशन लेयर। नेक्स्ट है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, वसा की अधिकांश पाचन, तो वसा की मैक्सिमम डाइजेशन होता है ना, वह छोटी आंत में होता है, छोटी आंत। ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, वह आपका कैपिलरीज है, यानी केशिका। प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है। तो वह कॉर्निया वाला जो भाग होता है ना, उसमें प्रवेश करता है, लाइट, है ना। तो कॉर्निया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के कितने जोड़े होते हैं। तो 31 जोड़े होते हैं, 31। इसके बाद यह प्रश्न फर्स्ट यूनिट में पूछा गया था, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका शाखाओं के रूप में संरचना है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे डेंड्राइट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे हम लोग, कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों, अन्य चिकित्सा उपकरण में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो वह कोबाल्ट का। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा में तापीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण है विद्युत बल्ब। किस बीमारी में ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो मधुमेह में, है ना। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था। तो यह 19 सितंबर 1975 में छोड़ा था। लास्ट प्रश्न है, DNS का पूर्ण डोमेन नेम सिस्टम है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।